दोस्तों उत्तराखंड में कई धार्मिक स्थानों और पूजन स्थल होने के कारण इस उत्तराखंड को देवभूमि या भगवान की भूमि भी कहा जाता है। इसे भक्ति और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे पवित्र और अनुकूल स्थान माना जाता है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर भाग में कई जिलों और हिमालय पर्वत की श्रृंखला के एक हिस्से को जोड़कर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। यह राज्य हिमालय की तराई और बाबर की प्राकृतिक सुंदरता एवं संपन्नता के लिए मशहूर है और तिब्बत का स्वायत्त क्षेत्र राज्य के उत्तर में स्थित है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल टेंट्रेक में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड राज्य से जुड़ी अद्भुत और रोचक जानकारी के बारे में जानने वाले, तब तक आप हमारी इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, सन 2007 में इस राज्य का नाम आधिकारिक रूप से उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। देहरादून राज्य की राजधानी और यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर है। उत्तराखंड की आईकोर नैनीताल में, जो राज्य का एक और महत्वपूर्ण शहर है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य की 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1,86,000 के करीब है और यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषा हिंदी है और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहाँ पर हस्तशिल्प और हथकरघा राज्य के दो प्रमुख उद्योग है और यह चिपको आंदोलन की उत्पत्ति के लिए भी मशहूर है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, 9 नवंबर 2000 में एक अलग औपचारिक राज्य बनने के बाद में यह अपने आप में पूर्ण राज्य बन गया। इस प्रदेश का निर्माण देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाकर किया गया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों यदि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में जाने तो उत्तराखंड का इतिहास इसके गौरवपूर्ण अतीत का गीत गाता है। इसकी उत्पत्ति और विकास का सबसे लंबा इतिहास रहा है, जिसमें से कई महान राजाओं और साम्राज्यों की झलक है, जिसमें से जैसे कुशाल, कुडीना, कनिक्स, समुद्रगुप्त, कटुरिया, पलाश, चंद्र और पवार है। यदि उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात करें तो कहा जा सकता है कि इसका संदर्भ कई हिंदू पुराणों में भी मिलता है, लेकिन इसके इतिहास को सबसे अच्छे तरीके से गढ़वाल और कुमाऊं के इतिहास के माध्यम से समझा जा सकता है। दोस्तों यदि उत्तराखंड में घूमने की बात करें तो ये भारत के सबसे अच्छे घूमने की जगहों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं, चाहे वो प्रकृति हो, वन्य जीवन, एडवेंचर या तीर्थ स्थल ही क्यों ना हो। यहाँ के प्रमुख स्थानों में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, अल्मोड़ा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, रानीखेत और पिथौरागढ़ है। इसके अलावा यदि उत्तराखंड में खाने के स्वाद की बात करें तो यहाँ पर कफूली, करवान का पन्ना, फानू, भाड़ी, कांडली का साग, चैनसू, कमोनी रायता और अन्य। दोस्तों यदि आप कभी उत्तराखंड जाए तो यहाँ पर घूमने और खाने का आनंद जरूर ले। इसी के चलते हुए आज उत्तराखंड अपने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक खूबसूरती के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको भारत की देवभूमि उत्तराखंड के बारे में कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके लिए हमेशा ऐसे वीडियो बना के लेके आ सके। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।